हाय हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कशन करेंगे इम्यूनिटी के बारे में, हाउ टू बूस्ट इम्यूनिटी। जी हाँ, हम सभी को पता है आज पूरी विश्व में कोरोना वायरस आतंक मचा रही है, तो उससे लड़ने के लिए हमें चाहिए अंदरूनी शक्ति यानी इम्यूनिटी। हम किस किस सुपर फूड से इम्यूनिटी पाएंगे उसकी रिगार्डिंग मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगी। सो फॉर द डिले लेट स्टार्ट द वीडियो। जी हाँ, ये क्या है? ये है गार्लिक। गार्लिक में एलिसिन नाम के एक पदार्थ है जो संक्रमण को रोकता है। इसमें भी बहुत भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, आयरन है, और जो हमारी इम्यूनिटी को एनहांस करती है। जी हाँ, हम सुबह खाली पेट पे एक दो गार्लिक की क्लॉब्स को खा के पानी पीना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ सके। ये है मेरे पास जिंजर। जी हाँ, सबको पता है जिंजर में भरपूर मात्रा में जिंसंग है, आयरन है, कैल्शियम है। जिंजर बहुत ही एक औषधि है, हम सब कोई जानते हैं। ये हमारी दादी माँ, हमारी माँ, ये सब हमें घरेलू नुस्खे बताते हैं जिंजर की। जी हाँ, जिंजर में भरपूर मात्रा में आयरन है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एक छोटा इंच जिंजर लीजिए, 5-6 तुलसी के पत्ते और एक छोटा इंच सिनेमन की स्टिक, उसको अच्छी तरह से कूट के एक ग्लास पानी में बिठा दीजिए। जब पानी आधा ग्लास हो जाएगी तब आप उसको छान के ठंडा करके पी लीजिए। इसमें आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और ये है लेमन। लेमन में विटामिन सी की मात्रा भरपूर रूप से पाई जाती है। ये सिट्रस फ्रूट से जाना जाता है। आप अगर चाहे तो लेमन की जगह आप ऑरेंज भी खा सकते हैं, लाइम भी खा सकते हैं, ग्रेप फ्रूट भी खा सकते हैं, कोई भी सिट्रस फ्रूट आप इंटेक कर सकते हैं। इसमें आप अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। हम सब जानते हैं लेमन में भरपूर मात्रा में विटामिन सी होती है जो आँख के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। विटामिन सी आँख के लिए बहुत अच्छे होते हैं, स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। सो आज का मेरा ये वीडियो इतना ही। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स देने के लिए मत भूलिए, एंड मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन को प्रेस ना करेंगे तो मेरा अपडेट आपको कैसे मिलेगा? सो प्रेस द बेल आइकन। लव यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।